राइडिंग का पैशन तो बचपन से था, इतना चांस नहीं मिला था ये सब चलाने का। माई फर्स्ट बाइक वॉज ग्लैमर 125 cc, वो तो ऐसे उस टाइम पे धूम भी आई हुई थी शायद। राइडिंग मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा पैशन है। राइडिंग मैंने शुरू किया था इन 2014 आई गेस, व्हेन आई बॉट ए कॉन्टिनेंटल GT ऑफ रॉयल एनफील्ड। उसके बाद से एवरी संडे आई मेक इट ए पॉइंट कि कुछ भी हो जाए, कहाँ से भी काम निकल आए, एनी हाउ आई फिनिश अप माई वर्क आई गो फॉर राइडिंग। नथिंग कैन स्टॉप मी, नीदर द वेदर, नथिंग। ग्रुप में तो आई हार्डली राइड, 30-40% टाइम ऐसा ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई राइड अलोन। नाउ फाइनली द ड्रीम हैज कम ट्रू, आई विल बी राइडिंग द रियल हायाबुसा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद ज्योति सुजुकी, आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सुची एंड द सेल्स मैनेजर जटेश्वर, दे हैव रियली हेल्प मी आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, I'm really happy that it's in Bhubaneswar and Jyoti is doing a very good work here. And I'm really looking forward to a good relationship with Jyoti Suzuki. See, owning a superbike is not the only thing that you're owning for a single day. I'm going to own it for 4 to 5 years at least, right? So in near future, I hope that they should have enough parts. The service they provide me is good in the future. That's what I'm expecting. My son absolutely loved this bike from the very first day when he came here. Usko bahut pasand aayi thi ye bike, and my wife also. Amazing feeling, जैसे वो कहते हैं इट्स अ माइटी फैल्कन। अमेजिंग हैंडलिंग एंड द पावर यू डेफिनेटली फील व्हेन यू एक्सेलरेट, यू जस्ट लव इट व्हेन यू राइड इट।